कोई बात नहीं है. आई हैव सीन सक्सेस इवन बिफोर. बड़े हैड गिवन मी ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस एंड आई ओ एकता फॉर दिस, बट आई डोंट फील एज सच. मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है दैट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस और व्हाटएवर. हाँ, पीपल आर कंग्रेचुलेटिंग मी, बट मे बी आई कैन से आई एम नम और व्हाटएवर, बट नो, आई डोंट फील एज सच. ओके, हाउ यू केम ऑन बोर्ड? जब हम प्रस्थानम की बात करते हैं, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से दत्त साहब संजय दत्त हिस्सा है उसका, वो थोड़ा सा जानना चाहूंगा कैसे हुआ और कैसे यू बिकम अ पार्ट ऑफ. सी बेसिकली कुणाल, द गाय हु इज कास्टिंग फॉर दिस फिल्म, कुणाल एम शाह, ही कॉल्ड मी एंड पहले तो मैंने रोल सुनकर मना कर दिया. एंड ये जो पूरा जर्नी है 2 महीने तक चलता रहा, 2 से 3 महीने तक. एंड वापस से 1 महीने बाद मुझे उन्होंने ऑफर किया ये सेम थी, देन मैंने फिर मना कर दिया. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम मार्च और अप्रैल समय, एंड फाइनली मैंने जून तक आते आते आई मेड अप माई माइंड एंड आई सेड कि फाइन ओके यार कर लेते हैं. एंड देन आई सेड ओके फाइन लेट्स डू इट. सो अगेन ही अप्रोच मी एंड आई सेड ओके फाइन, सो आई अग्रीड फॉर दिस. सो माई मेन थिंग दैट आई डिडंट वांट टू प्ले अ मदर ऑन स्क्रीन एंड दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग नो. बट देन आई वाज लाइक ठीक है, वाई नॉट, वाई नॉट टू प्ले अ मदर ऑन स्क्रीन व्हेन आई एम एक्चुअली अ मदर. सो देन दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड. सो आई थिंक शूट के कुछ 7-8 दिन पहले आई सेड येस, एंड अपेरेंटली आई डिडंट नो दैट वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन माही, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी वॉज अबाउट टू प्ले दिस कैरेक्टर विच आई वॉज अप्रोच फॉर एंड आई सेड येस. सो इट वॉज लाइक दिस. और आई थिंक 1 हफ्ते बाद आई वॉज शूटिंग इन लखनऊ. सो या दैट्स हाउ इट हैपेंड. See, my character is very, very positive and she is a very headstrong doctor. She is Manisha's real daughter in the film, and Ali is playing my brother, whereas Satya is playing my stepbrother. So we are the 3 children of this couple, who is the leading couple. And yeah, so this is what my whole character is crafted in. I'm a part of the main cast, so I'm just keeping my fingers crossed. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मनीषा मैम के साथ. तो मेरे जो सीन्स हुए अच्छे हुए, एंड संजू सर इज़ वेरी हम्बल एंड अ वेरी गुड को एक्टर, एंड वेयर अली इज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ फन ऑल द टाइम, मस्ती मस्ती मस्ती, बट अ सुपर एक्टर ही इज. सो ही आई डोंट थिंक इफ ही इज वन ऑफ द मेथड एक्टर ओवर एयर, बट या ही इज लाइक आर केमिस्ट्री वॉज वेरी गुड. सो आई हैड मोस्ट ऑफ द सीन्स आई हैड विद अली एंड अमायरा, एंड It went out very nice, but thoda sa challenging tha because I was facing the camera after a long time. So thode se challenges the, whereas Dev sir, Dev Katta, he wants perfection out of you. So he is a kind of a director. He would go to any extent to get what he wants out of an actor. And I really got to learn a lot from him. In fact, मैंने वही आपको बताया कि शूट शुरू होने से 7 दिन पहले आई सेड येस फॉर दिस होल मूवी, एंड आफ्टर दैट आई थिंक मेरे ट्रायल्स हुए होंगे शायद, या वो भी नहीं हुए, आई थिंक सिर्फ ट्रायल्स हुए हैं, साइनिंग हुआ है, एंड कट टू आई वॉज ऑन सेट इन लखनऊ. सो आई वॉज लाइक आई डेंट नो वट हैपन एंड इट जस्ट फेल इन टू माई लैप आई वुड से. सो कोई वर्कशॉप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. Yeah, that's how I went. See, it is a very, very, it's a beautiful film, firstly, I would like to say. Isme jo relations hain, rishte hain, bahut khubsurti se describe kiye gaye hain. And it is a family political drama, which is, of course, a remake of a South Indian film. But even if you see that Prasthanam, it actually gives you shivers because it is something very, very I don't have words for this, but the film is a political family drama and I think you should see it for at least once to understand what it is. See, jaise maine aapko bataya, main comfortable nahi thi on screen to play a mother. So now this girl Palak, my character name is Palak, she's a mother of 2. I didn't want her to play a mother of 2 on screen because of the whole taboo that you get typecast and being a mother, whatever. So I didn't want it to. That's the reason I was saying no for this role. But then, if you see then, I pulled out 20 kgs. So I am almost 20 kgs plus in that film.
Whereas now if you see me, मैं वैसे शायद कोई कैरेक्टर में फिट भी नहीं होंगी बिकॉज आफ्टर दैट फिल्म आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 केजीज ऑफ वेट. सो बट या एज एन एक्टर आई एंजॉयड इट, व्हाई नॉट. सी मी टू जो है मैंने पहले भी कहा मेरे इंटरव्यूज में दैट बहुत लोगों ने गलत फ़ायदा भी उठाया इस बात का एंड बहुत लड़कियों ने मिसयूज़ किया है इसे जो नहीं करना चाहिए था बिकॉज जो विक्टिम है इसके उन्हें मेंटल हरासमेंट डिप्रेशन उनका करियर ख़त्म हो गया है उनकी बीवी बच्चे यू नो फैमिलीज डिस्टर्ब हो गई हैं. सो हाँ जो लोग क्लियरली बाहर आए जिनको प्लेटफॉर्म मिला जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक सेफ प्लेस बनाई है काम करने के लिए बिकॉज नाउ पीपल आर स्केयर्ड टू इवन टॉक समथिंग लाइक दैट आई अप्रिशिएट दैट बट देर आर ऑल्सो सम पीपल हु हैव मिसयूज्ड दिस एंड जो लोग गिल्टी नहीं थे जिनका नाम आया गया है उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है वो डिप्रेशन से डील कर रहे हैं उनका करियर ख़त्म हो गया. सो दैट इज़ नॉट समथिंग हेल्दी यू नो. सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट अ पॉइंट टू कम आउट एंड से दैट पीपल नॉट एवरी वन हु इज़ बीन अक्यूज्ड इन मी टू इज एक्चुअली यू नो द विक्टिम व्हाट एवर एक्चुअली द कल्प्रिट. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. आई एम डूइंग टू फिल्म्स, वन इज इन साउथ, वन इज इन बॉलीवुड. And one web series is already I've done, which will stream soon. And episodic hai. And yeah, so fluctuating dates from here and there. Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.